गिट्टी खदान पुलिस ने बंद मकान में हाथ साफ करने वाले दो चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे करीब 1,75,000 रुपयों का माल जब्त किया गया। नागपुर शहर में आए दिन चोरी के मामले सामने आते रहते हैं और नागपुर पुलिस भी सजगता से जांच कर आरोपियों को पकड़कर कार्रवाई करती है। इसी प्रकार 18 से 20 दिसंबर के बीच जब भोंगाले नगर गिट्टी खदान निवासी ललित हरिनखेड़े परिवार समेत भतीजी की सगाई और ग्राम पंचायत चुनाव के सिलसिले में गोंदिया गए थे, तभी दो सेंधमारों ने सूना घर देख हाथ साफ कर लिया और मौके से 10,000 रुपये नगद समेत 2,40,000 सोने चांदी के गहने उड़ा लिए। ललित ने गिट्टी खदान पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में जुटी हुई थी, तभी पुलिस सूत्रों को जानकारी मिली कि इस घटना से संबंधित आरोपी चाय की टपरी पर बैठे हैं। तभी पुलिस ने समय न गवाते हुए टीम समेत पहुंचे और उन्हें 6 अप्रैल धर दबोच लिया और उनसे 1,75,000 रुपयों का माल जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम शिवनगर चौधरी लेआउट निवासी संतोष टेमरे उम्र 21 वर्ष और शिवनगर दाभा निवासी टिकमचंद उर्फ बंटी पटले उम्र 36 वर्ष है। आपल्याकडे दिनांक 18/12/2022 ते 20/12/2022 या दरम्यान जी फिर्यादी आहे ललित हरिनखेडे राहणार भोंगाळे नगर दाभा परिसरात, हे आपल्या पुतणीचा कार्यक्रम असल्याकारणाने गोंदिया येथे गेले होते। त्यावेळेस ते कार्यक्रम आटोपून 20/12/2022 वापस आले। त्यावेळेस त्यांना असं निदर्शनास आलं की त्यांच्या घराचा कडीकोंडा तुटलेला आहे आणि घरात ठेवलेले सोन्या चांदीचे दागिने तसेच 10,000 रुपये रोख चोरी गेलेले आहे। तशा त्यांच्या फिर्यादीवरून आपण गुन्हा दाखल केला। आरोपीचा कसून शोध घेण्यात आला। आमचे जे तपास पथक आहे त्यांना आरोपीचा शोध घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या। वेळोवेळी वरिष्ठांचं मार्गदर्शन घेण्यात आलं। तर आमच्या तपास पथकातील पोलीस हवालदार बलजीत ठाकूर यांना अशी माहिती प्राप्त झाली गुप्त बातमीद्वाराद्वारे की यातील गुन्ह्यातील जे मुद्देमाल चोरणारे आरोपी आहे ते भोंगाळे नगर परिसरामध्येच एका चाच्या टपरीवर बसलेले आहे। तर आपण सापळा रचून अतिशय अथक प्रयत्न करून आरोपींना ताब्यात घेतलं। ताब्यात घेऊन त्यांना कसून विचारपूस करण्यात आली। त्यानंतर आरोपीने गुन्हा कबूल केला। कबूल केल्यानंतर त्यांनी जे सोन्या चांदीचे दागिने होते यांना विश्वासाने दिले होते त्यांच्याकडून ते हस्तगत करण्यात आले। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान, BCN न्यूज नागपूर।